जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक आप लोगों की सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। मेरा जो अध्याय चल रहा है, इस अध्याय का नाम है राजयोग। इस राजयोग में मैंने आपको बहुत सारे राजयोग के वीडियो अभी YouTube पर अपलोड किए हैं, आपने देखें और आपने उनको बहुत ज़्यादा लाइक किया है और बहुत ज़्यादा आपने उनको शेयर भी किया है। मित्रों, मैं आपके लिए नई नई जानकारी लेके आता हूँ। ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आप लोगों की सेवा के लिए बनाया हुआ है। आप लोग इससे शिक्षा लें और इसके बारे में आप जो जानकारी हम वीडियो की आपको देते हैं वो पूर्ण रूप से शिक्षाप्रद होती है और आप लोगों की शिक्षा के लिए ही, आप लोगों के भले के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं कि आप उनसे कुछ ना कुछ सीखें। तो एक तरह से हमारा ये ज्योतिष का पाठ चल रहा है, तो उस पाठ से आप सीखें और अपने इष्ट मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दें। आप वीडियो हमारा अंत तक देखें। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भद्र योग कैसे बनता है, भद्र योग का मतलब क्या होता है, कैसे बनता है और जातक को इसका क्या लाभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो मैं श्री भगवान कृष्ण के श्री चरणों में नमस्कार करके आपके सामने आज भद्र योग का वर्णन करने वाला हूँ कि भद्र योग क्या होता है और ये जातक को किस प्रकार का लाभ देता है। मित्रों, हमारे इस चैनल को आप लाइक करें और शेयर करें इसको और सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतना जल्दी आपको हमारे जो वीडियो हैं वो जल्दी से जल्दी प्राप्त होंगे। तो आज का जो भी योग हम योग बता रहे हैं इसको कहते हैं भद्र योग। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, आपको पूर्ण शिक्षा मिले आपको। यदि बुध अपनी राशि का होकर, मूल त्रिकोण का होकर या उच्च राशि का होकर, समझने वाली बात है, बुध या तो अपनी राशि का हो, बुध की जो राशि हैं वो 3 और 6 राशि हैं, मूल त्रिकोण राशि बुध की 6 है और बुध की जो उच्च राशि है वो भी 6 है। ये बुध की राशि है, ये मूल त्रिकोण राशि है और ये बुध की उच्च राशि है। तो मित्रों, ये जो योग है ये तब बनता है जब बुध अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या अपनी उच्च राशि में, तब ये योग बनता है। तो योग बनता है, इस योग को हम कहते हैं भद्र योग। एक प्रस्तुत कुंडली आपके सामने है। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये उनकी कुंडली आपके सामने है। उनकी कुंडली में भद्र योग बना हुआ है, ये आपके सामने भद्र योग है। बुध अपनी मूल त्रिकोण उच्च राशि में बैठा हुआ है। ये जो कन्या राशि है बुध की उच्च राशि है और बुध की ये मूल त्रिकोण राशि भी है और बुध की अपनी राशि भी है, तीनों बात हैं। तो ये यहाँ जब बुध बैठता है तो ये भद्र योग बनाता है। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री भारत के जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी कुंडली है आपके सामने है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। शार्दूल प्रतिमाननो दुपगति पीनोर्वक्षस्थलो रम्या पीन सुभ्रतृबाहु युगलदस्तुल्य देहो क्षय कामे कोमल सूक्ष्म रोमन चय सरुंगड़गंड स्थल प्रागे पंकजग भर्म पाण चरण है साचाधिके योग विते। जिसका जन्म भद्र नामक योग में हो वह सिंह समान मुख, हाथी की सी चाल होती है, पुष्ट उसके बक्षस्थल होते हैं, गोलाकार सुडौल दोनों बाहु होती हैं और दोनों बाहु फैलाने से जितना हो उतना लंबा, कामी मुलायम रोग से युक्त कपोल, विद्वान कमल सदृश हाथ पैर, सत्वगुण विशेष तथा योग का ज्ञाता होता है। संगांशीष कुंजर गदा कुसुमेशु कृतु चक्रावजलांगल शुचिहर्ता पाणिपाद है यात्रा गजेंद्र मद बालिकितार्थ भूमि सतकुमकुम प्रतिमगदन तनु सुघोष है। जिसका जन्म भद्र नामक योग में हो उसके हाथ पैर में शंख, तलवार,
हाथी, गधा, फूल, बाण, पताका, चक्र, कमल, हल चिन्ह तथा यात्रा के समय मतवाले हाथियों के मद में मद से जैसी भूमि गीली हो जाए एवं बढ़िया कुमकुम के समान शरीर से गंध और सुंदर वाणी हो, वो भद्रयोग का जन्म का जातक होता है। शंभ्रु युगो तिमतिमान खलु शास्त्रवेत्ता मानोपवो भोग सहितोपि निगुण गुह्यम सत्कुख्य धर्मो निरते सुललाटपटी धीरो भवे दिशित कुंचित केश पाशय। दोनों प्रकृति सुंदर हों, बुद्धिमान हो, शास्त्रवेत्ता हो, मान सहित भोगी हो, बात छिपाने वाला, सुंदर कुखी वाला, धार्मिक सुंदर ललाट हो, धैर्यवान हो, काले घुंघराले बाल वाला हो, वैसा जातक भद्रयोग का जन्म लेने वाला जातक होता है। स्वतंत्र है सर्व कार्येषु स्वजनम प्रतिन क्षमा भ्रजते विभवस्तस्य नित्यमर्थ जन ही पर ही। सब कार्य में स्वतंत्र, अपने जन को भी क्षमान करने वाला तथा उसकी संपत्ति को अन्य धन के इच्छुक नित्य भोग करते हैं, अर्थात उसको अपना धन भोग नहीं होता है। बहारम तुलाया तुलयेत प्रतन्यतने श्री कान कुब्जाधिपति रभे वेत से भद्रोद पुलकत्र सौख्यो जीवेन पाल सरदाम शीतम। भद्रयोग में जो जातक जन्म लेता है, धन को तराजू पर तोले तथा कान्य कुब्ज देश का राजा पुत्र तिथि सुक्ता 80 वर्ष की आयु वाला होता है। भद्रयोग में उत्पन्न मनुष्य सिंह के समान पराक्रमी और शस्त्रों का अविनाश करने वाला होता है। विशाल वक्षस्थल, प्रभाव उत्पादक व्यक्तित्व, ऊंचे उठते रहने की निरंतर चाह ही उसकी प्रमुख विशेषता होती है। बांधवों, मित्रों एवं संपर्क में आने वाले लोगों की हर संभव सहायता करने को वो उद्यत रहता है। इस जातक की बुद्धि भी विलक्षण होती है तथा पेचीदा से पेचीदा कार्य भी वह बहुत सहजता से कर लेता है। जीवन से धीरे धीरे प्रगति करता है परंतु अंत में सर्वोच्च पद पाने में वो सफल होता है या अपने जीवन का ध्येय पूर्ण कर लेता है, दीर्घायु होता है। व्यापारिक कार्यों में ऐसे जातक अधिक सफल होते हैं। बुध मुख्यतः व्यापार एवं वृद्धि का हेतु होता है, अतः बुध जब केंद्र भाव में बलिष्ठ होकर बैठ जाता है तो निश्चय ही जातक या तो व्यापार को देश विदेश में फैला देता है या फिर बुद्धि के कारण किसी उच्च पद प्राप्त करने में सफल हो जाता है। बुध के कारण ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराते और संकटों एवं बाधाओं के बीच भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। तुरंत निर्णय लेने की इसमें विशेष क्षमता होती है। ये जो कुंडली आपके सामने है ये हमारे जो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की है। इस कुंडली में बुध कन्या राशि का होकर केंद्र में होने के कारण ये जो आपके सामने है भद्रयोग बना रहा है और इस भद्रयोग इनको प्राप्त हो रहा है। तो बुध के फलस्वरूप ही शास्त्री जी को जीवन में इतना ऊंचा उठ सके इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ज़िंदगी में वो प्रधानमंत्री पद पर पहुंच पाए क्योंकि शास्त्री जी एक बहुत गरीब घर से संबंध रखते थे, किसान के बेटे थे और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन बुध के द्वारा बनने वाले इस भद्रयोग ने उनको ज़मीन से उठा करके आसमान पर उनको बिठा दिया, तो ये भद्रयोग की एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो मित्रों ये मैंने आपको आज भद्रयोग के बारे में बताया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में मेरे को आप अपनी राय भी दें और मेरे को अपने विचार भी व्यक्त अवश्य करें। मैं आपसे एक अनुरोध और भी करना चाहता हूं, अगर आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में किसी तरह की न्यूनता है, कोई दोष है, किसी तरह की परेशानी है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई दिक्कतें महसूस होती हैं, कोई बाधाएं आपके काम धंधे रुकावट देती हैं, किसी तरह की आपको परेशानी आती है, तो अपने आप डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजें। आपको डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करने के पश्चात जो आपके लिए सही से सही उपाय होगा वो आपको अवश्य ही बताया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और बेल पुश बटन को भी आप अवश्य दबाएं ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। इसके साथ ही मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपसे आज्ञा चाहता हूँ, एक नए वीडियो के साथ आगे आपके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।